मूवी के शुरुआत में हम एक बच्ची को बेली डांस करते हुए देखते हैं। डांस क्लास के बाद वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपने महल नुमा घर की तरफ चली जाती है और इस वक्त पर हम नोटिस करते हैं कि 6 लोग इसी अबिगल नाम की बच्ची पर नजर रखे हुए थे। वो गाड़ी का पीछा करते हुए इसी तरह अबिगल के घर में एंट्री भी कर लेते हैं, जिसके बाद ये लोग इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर चुके थे। लेकिन असल मिशन उसे यहाँ से निकाल कर बाहर ले जाना था और बच्ची के डैड के घर आने पर ये लोग तकरीबन पकड़े ही जाने वाले थे, पर अपनी होशियारी दिखाते हुए सभी की नजरों से बचकर ये अबिगल को किडनैप कर एक ओल्ड मशीन में ले आते हैं, जहां पहले से ही इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड यानी लैम्बर्ट उनका वेट कर रहा था। उसने प्लान किया था कि वो एबिगल की किडनैपिंग के बदले उसके अमीर डैड से $50 मिलियन की मांग करेगा। पैसे मिलने के बाद वो इन सबको इनका हिस्सा, जो तकरीबन हर एक के पास $7 मिलियन आता, वो देकर इन सबको इनके काम से छुटकारा दे देता। पर तब तक के लिए 6 लोगों के पूरे ग्रुप को एबिगल को इसी मेंशन में बांध कर रखना था, यानी किडनैपिंग के बाद एबिगल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी इन्हीं की थी। और हाँ, सबसे जरूरी बात, लैम्बर्ट ने कहता है कि यहाँ का एक रूल है, कोई अपना असली नाम, असली पहचान किसी को नहीं बताएगा। सब एक दूसरे को बुलाने के लिए या नकली नाम यूज करने वाले हैं, जो नाम इन्हें लैम्बर्ट ही देकर आया था। लैम्बर्ट इन सबसे इनकी फोन भी ले चुका था ताकि पुलिस इन्हें ट्रेस ना कर पाए। और साथ ही एक आखिरी इंस्ट्रक्शन उन्हें जाने से पहले उन्हें ये देता है कि एबिगल की आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी और उसके रूम में जोई के अलावा कोई नहीं जाएगा। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि कितने लोगों ने मिलकर उसकी किडनैपिंग की है। लैम्बर्ट ने इन सबसे पूछने के बावजूद भी अभी इन्हें यह नहीं बताया था कि एबिगल किसकी बेटी है। इन्हें अभी तक बस यही खबर थी कि एबिगल के डैड एक मिलियनेयर हैं, यानी कि बहुत अमीर इंसान। लैम्बर्ट के जाने के बाद ये लोग टाइम पास करने के लिए एक दूसरे के बारे में गैस करना शुरू कर देते हैं। जो कि लोगों को पहचानने में माहिर थी, वो फ्रैंक को एक पुलिस डिटेक्टिव बताती है, जो कि 100% करेक्ट था। उसके सामने जो लड़की बैठी थी वो हैकर थी। लोगों के अकाउंट्स हैक कर करके पैसे की कमी तो नहीं थी उसके पास, बस उसने मिशन थ्रिल के लिए चुना था। सही कह रही हूँ ना? और ये मस्कुलर मैन, तुम अपनी ताकत तुम्हें दिखाने का बहुत शौक है ना, तुम जरूर एक गुंडे होगे। और ड्राइवर, तुम्हारे बारे में तो गैस करने की क्या जरूरत है, तुम अपनी अच्छी ड्राइविंग स्किल्स की वजह से हमारे साथ हो। एंड लास्ट स्नाइपर, तुम्हारी हरकतों से तुम मिलिट्री वाले लगते हो। सबके बारे में तो उसने अच्छा गैस कर लिया था, पर अब खुद की बारी थी, जिस पर फ्रैंक बोलता है, तुम भी तो मिलिट्री में थी, ड्रग्स की लत ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, तुम्हारा बेटा भी तुमसे दूर है और इस वक्त इसलिए तो इतनी ज्यादा तुम कैंडीज खाती हो। ये सारी बातें सुनने के बाद अब जोई एबिगल के रूम में आ जाती है और उसकी आंखों पर से बंधी पट्टी हटा देती है, यानी उसने लैम्बर्ट का एक रूल तो तोड़ दिया था। एबिगल बहुत ज्यादा डरी हुई थी, उसे रिलैक्स करने के लिए जोई उससे पिंकी प्रॉमिस करती है कि ना तो मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगी और ना तुम्हें किसी और से नुकसान होने दूंगी। बातों ही बातों में इनके बीच बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है। जोई बताती है कि एबिगल मेरा तुम्हारे जितना एक बेटा है। अब एबिगल को इस सुनकर अच्छा लगा था। वो कहती है कि जरूर आप अपने बेटे से प्यार करती होगी, पर मेरे डैड वो थोड़े अजीब हैं, गुस्से वाले हैं, खतरनाक हैं, मेरे से उतना प्यार नहीं करते जितना वो पहले करते थे। जोई के बाहर जाने से पहले एबिगल उसे वार्न करती है कि आज रात बहुत बुरा होने वाला है। तो कुछ जोई को उसकी ये बातें थोड़ी अजीब लगती हैं और फिर नीचे आकर उस सब लोगों से कहती है कि मुझे शक है कि एबिगल के डैड कोई बहुत ही खतरनाक इंसान है। आखिर हमने किडनैपिंग की है, हमें भी पता होना चाहिए कि किसकी बेटी को किडनैप कर लिया है हमने। उसकी बातों में दम तो था। फ्रैंक बिना वक्त जाया किए अब एबिगल के रूम में आता है और उसे डरा धमका कर उसके डैड का नाम पूछ लेता है। एबिगल के डैड का नाम सुनने के बाद वो बिल्कुल शॉक रह जाता है, ऐसे जैसे उसे सांप सूंघ गया हो, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने इतने बड़े गैंगस्टर की बेटी को किडनैप कर लिया है। ये बात तो जाकर वो सबको बताता है और सभी उसी तरह शॉक में रह जाते हैं। फ्रैंक अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता है कि कैसे एक बार उसके साथ के 3 ऑफिसर्स ने इस गैंगस्टर के खिलाफ काम किया था। इसके बाद से उन 3 ऑफिसर्स को लाइफ थ्रेट मिलना शुरू हो गए। उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें एक होटल के सबसे सेफ रूम में रखा गया। उनके आगे 24/7 सिक्योरिटी थी और रूम में अंदर आने के सिर्फ दो ही रास्ते, एक विंडो और एक दरवाजा। विंडो से अंदर घुसना तो इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी जब सुबह को दरवाजा खोला गया तो अंदर से 3 ऑफिसर्स की लाशें मिली। इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अब उनके साथ वो क्या करने वाला है। यहां सभी खौफ से पागल हो चुके थे सिवाय ड्राइवर के, क्योंकि उसे यहां किसी कहानी पर कोई यकीन नहीं था। कुछ ही देर के बाद वो किसी काम से बेसमेंट में जाता है और देखने को मिलता है कि किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया है। वो जोर जोर से चीख मारता है और हैकर को उसकी चीख सुनाई दे जाती है। वो चेक करने के लिए जब जाती है तो देखती है कि उस ड्राइवर का किसी ने गला काट दिया है। घबराई हुई वो वापस उनके पास आकर बताती है इनको कि हम पर हमले होना शुरू हो गए हैं। ये सुनकर स्नाइपर कहता है कि यार मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ।
वो और फ्रैंक जैसे ही इस मेंशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो यहाँ का एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। पूरे घर की खिड़की और दरवाजों के आगे मेटल गन्स आ जाती हैं, जिसका मतलब था कि अब लोग यही कैद होकर रह गए हैं। इन लोगों को यह भी पता था कि बिल्डिंग में कोई किलर भी है जो कि इनको मारने वाला है, इसलिए ये सब लोग होशियार बैठे हैं। जो एबिगल से पूछने के लिए जाती है कि क्या तुम्हें इन सभी अटैक्स के पीछे कुछ पता है। यहाँ एबिगल उसे बताती है कि असल में फ्रैंक मेरे डैड का आदमी है और जब वो मेरे रूम में आया था तो उसने मुझे धमकाया था कि मैं किसी को इस बारे में कुछ ना बताऊं। ये सुनते ही जोए गुस्से में आ चुकी थी। इससे पहले कि वो फ्रैंक के पास जाती, वो पीछे मुड़कर देखती है कि स्नाइपर का भी मर्डर हो चुका है। उसको इतनी बुरी तरह से मारा गया है मानो उसका मुंह नोचा गया हो। जोई अब और भी ज्यादा डर गई थी। वो अब गन पॉइंट पर फ्रैंक को रख लेती है। फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बच्ची हमारे साथ खेल खेल रही है, वो झूठ बोल रही है, लेकिन जो इसकी बात पे यकीन करने वाली नहीं थी। इससे जिसके ऊपर लड़ते लड़ते कब एबिगल के कमरे के सामने आ गए इन्हें पता नहीं चला। एबिगल इन्हें लड़ता हुआ देख रही थी और साथ ही साथ अपने हाथों से हथकड़ियां उतार रही थी और अगले ही सेकंड वो एक भयानक वैम्पायर में बदल चुकी थी। उसे देखकर ये लोग डर जाते हैं और फ्रैंक उसे गोली मारता है, लेकिन एबिगल अपने आप को कुछ ही देर में हील कर लेती है। ये देखकर सब डर गए, बाहर आकर जल्दी से वो उसके कमरे में लॉक कर देते हैं। एबिगल को देखकर इन्हें काफी सारी मिस्ट्रीज समझ आ चुकी थी कि सिर्फ एबिगल ही नहीं उसके डैड भी एक वैम्पायर है, इसलिए सब उससे डर कर रहते हैं और अभी तक जितनी भी किलिंग्स यहाँ हुई हैं वो सब के सब एबिगल करती है। इन्हें अगर अब जिंदा रहना था तो इन्हें एबिगल को मारना था। कोई गार्लिक पकड़ लेता है तो कोई लकड़ी से शार्प एज वाले वेपन्स बनाता है। इस वैम्पायर यानी एबिगल को मारने के लिए जोई इस काम में इन सबका साथ नहीं दे रही थी। उसका मानना था कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें एबिगल के साथ कोई डील कर लेनी चाहिए। खैर उसकी बातों में ये लोग ध्यान नहीं देते और एबिगल रूम ये खोल देते हैं, जहां एबिगल स्नाइपर के मारे हुए जिस्म के साथ डांस कर रही थी। ये लोग पीछे से एबिगल के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन एबिगल इनके ऊपर ही भारी पड़ जाती है। गार्लिक और क्रॉस का तो इनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता। मुश्किलों से अपनी जान बचाकर एबिगल के रूम से भागकर बाहर आते हैं। जो इन्हें मशवरा देती है कि हमें एबिगल के ऊपर बेहोश करने वाला इंजेक्शन यूज करना चाहिए, पहले भी तो उसी से वो बेहोश हुई थी, उसका आइडिया अच्छा था। सब उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एबिगल का उनके हाथों में आना इतना आसान नहीं था। एबिगल अभी भी इन सब के ऊपर भारी पड़ रही थी, लेकिन इनके ग्रुप का वो गुंडा मुश्किलों से ही लेकिन पीछे से एबिगल को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और वक्त रहते ही जोई उसे बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा देती है। इस सारी हाथापाई के अंदर एबिगल यहाँ इनके एक साथी के हाथ पे काट लेती है। सबको डर था कि कहीं वो लड़की भी एक वैम्पायर न बन जाए। खैर दिखाया जाता है कि एबिगल को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक जेल में पाया। ये लोग एबिगल से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम चाहती क्या हो। यहाँ इन्हें सबसे खतरनाक हकीकत यह पता चलती है कि असल में इन्होंने एबिगल को नहीं बल्कि एबिगल ने इन्हें किडनैप किया है। ये सब एबिगल की प्लानिंग थी और लैम्बर्ट एबिगल के लिए काम करता था। देखने में चाहे एबिगल एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन वो इस दुनिया में 100 सालों से रह रही है और वो इन सबसे कहती है कि तुम लोग यहाँ इसलिए हो कि तुम लोगों ने किसी ना किसी तरीके से मेरे डैड को नुकसान पहुँचाया है, जिसमें से हैकर ने एबिगल के डैड के अकाउंट्स को हैक करके उनके मिलियंस ऑफ डॉलर चुरा लिए। फ्रैंक ने उसके डैड के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की थी और जोई जो कि एक मिलिट्री डॉक्टर थी उसने ड्रग्स के नशे में एबिगल के डैडी के साथी का गलत ऑपरेशन कर दिया था, जिससे उसके डैड को बहुत नुकसान हुआ। उसकी बातें सुनकर जोई से वो कहते हैं कि मैं बात जानती हूँ कि तुम्हारे डैड अब तुमसे प्यार नहीं करते, तुम उनके लिए जो कुछ भी कर लो, जितने भी जुल्म कर लो, अब वो तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। इन बातों के बाद ये सब लोग यहाँ से बाहर जाने का डिसाइड करते हैं। यहाँ से बाहर निकलने के लिए उन्हें बाहर का रास्ता भी ढूंढना था। ढूंढने का काम बाकी तीनों लोग कर और फ्रैंक को ये एबिगल पर नजर रखने का काम दे देते हैं। इन सब के यहाँ जाने के बाद एबिगल फ्रैंक के साथ एक डील करती है। वो उसे कहती है कि तुम मुझे यहाँ से निकाल दो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी और बाकी सबको खा जाऊंगी। बातों ही बातों में फ्रैंक उससे इस बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता भी पूछ लेता है। एबिगल बताती है कि इस बिल्डिंग की लाइब्रेरी में एक बुक है, इसको प्रेस करने से यहाँ के सारे सिक्योरिटी सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ये सुनने के बाद फ्रैंक एबिगल से की हुई डील तोड़ देता है और अपने बाकी बचे साथियों को यहाँ से निकलने का रास्ता बताने के लिए जाता है, लेकिन उसे धोखा देते हुए गुस्से से एबिगल अपना पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। वो फ्रैंक को यहाँ पे मारने ही वाली थी, लेकिन सही टाइम पर जो आकर एक हैमर से यहाँ की एक विंडो तोड़ देती है। सुबह हो चुकी थी और विंडो से आने वाली तेज सनलाइट एबिगल को हाथ को किसी बॉम्ब की तरह भर देती है। एबिगल अपने आप को दोबारा से ठीक करने के लिए यहाँ से एक अंधेरी जगह में जाकर छुप जाती है और फिर कुछ वक्त के लिए ये लोग एबिगल से छूट चुके थे, क्योंकि इस टाइम जहाँ पर वो थे वहाँ पे सनलाइट आ रही थी, लेकिन कितना भी वक्त हो यहाँ पे रात तो होनी ही थी।
एबिगेल से इनका सामना जरूर होना था। इन लोगों को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही था। ये लोग दो दो के ग्रुप में डिवाइड हो गए थे। जब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तब एबिगेल उस लड़की का माइंड कंट्रोल करने लग जाती है जिसे उसने काटा था। अपनी पावर से एबिगेल के इस लड़की को वैम्पायर बना देती है और सबसे पहले उसके अपने साथी को मारने का हुक्म देती है। उसे कहने पर ये लड़की ये काम कर भी चुकी थी, यानी उसने अपने उस पार्टनर को मार दिया था। जोई जो दूर खड़ी थी सब कुछ देख रही थी। इससे पहले कि वो जोई को आकर मारती, वो एक मिरर के जरिए इस लड़की के ऊपर सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है। क्योंकि अब वो लड़की वैम्पायर बन चुकी थी, इस वजह से वो सनलाइट के लगते ही एक बॉम्ब की तरह फट कर खत्म हो जाती है। सभी यहाँ पर मारे जा चुके थे, जो बचे थे वो थे सिर्फ जो और फ्रैंक। यहाँ पे फ्रैंक एक लाइब्रेरी में जाता है, जो एबिगेल की बताई हुई किताब से एक दरवाजा खुलने में उसको मदद मिलती है। अंदर एक कंट्रोल रूम था जहाँ पे इन्हें लैम्बर्ट बैठा दिखाई देता है। फ्रैंक बिना वक्त जाए किए लैम्बर्ट को शूट कर देता है, लेकिन लैम्बर्ट खुद ब खुद हील हो गया था, यानी लैम्बर्ट भी एक वैम्पायर था। वो फ्रैंक को बताता है कि आज से 2 साल पहले उसने वैम्पायर में बदल दिया था। उसके बाद से वो एबिगेल के लिए काम कर रहा है। वो हर ऐसे आदमी को एबिगेल के लिए पकड़ कर लाता है जिसमें एबिगेल के डैड को किसी तरह से नुकसान पहुंचाया हो। जिसके बाद एबिगेल इसी मेंशन के अंदर लोगों को मैनिपुलेट करके इमोशनली उनके साथ खेल खेल कर उन्हें मार देती है, अपने आप को वो सेटिस्फाई करती है। अब लैम्बर्ट भी एबिगेल के लिए नौकर जैसा काम करके थक चुका था। वो एबिगेल से छुटकारे के लिए फ्रैंक का साथ देना चाहता था। फ्रैंक का साथ उसे कुछ इस तरह चाहिए था कि वो सबसे पहले फ्रैंक को मारकर उसे वैम्पायर में कन्वर्ट कर देता, उसके बाद ये दोनों मिलकर एबिगेल को मारते। एबिगेल के डैड जो इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े गैंगस्टर बन बैठे थे, जिसके बाद वो उसके हर चीज के मालिक होते। फ्रैंक को उसकी ऑफर बुरी नहीं लगी थी, इसलिए फ्रैंक उसकी बात मान जाता है। लैम्बर्ट उसे पहले बाइट करता है और फिर उसे अपना खून पिलाकर एक वैम्पायर में बदल देता है। वैम्पायर बनते ही वो एक वेपन के जरिए यहाँ लैम्बर्ट के दिल में ही स्टब करके उसे मार देता है। इससे हमें ये बात तो पता चल चुकी थी कि फ्रैंक के दिल में भी लालच आ गया था। लैम्बर्ट के प्लान के मुताबिक एबिगेल के राय की सारी दौलत वो अकेले ही हड़पना चाहता था। यहाँ फ्रैंक फील कर रहा था कि वैम्पायर बनने के बाद वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। उसके शरीर पर जितने भी जख्म थे वो सब खुद ब खुद हील्स होने शुरू हो गए थे। अब इससे पहले कि वो एबिगेल को मारने के लिए उसके पास जाता, एबिगेल खुद डांस करती हुई उसके पास आ जाती है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी थी और एबिगेल जो पहले सब पर भारी पड़ रही थी, अब उसे फ्रैंक से लड़ने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि फ्रैंक उससे बड़ा था। दूसरी तरफ हम जोई को देख रहे थे, जिसे अब यकीन था कि वो भी जिंदा नहीं बचेगी। वो यहाँ से भागते हुए आखिरी बार अपनी बेटी को कॉल करने के लिए थी। वो अभी फोन ही करने वाली थी कि यहाँ पीछे से उसके ऊपर फ्रैंक हमला कर देता है। वो उसे मारता है, टॉर्चर करता है, लेकिन उसे खाता नहीं। उसके दांत काटने की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे जोई भी एक वैम्पायर बन चुकी है। इतनी देर में यहाँ एबिगेल भी आ गई थी, जो जोई को वैम्पायर बता के उसके साथ डील कर लेती है फ्रैंक को मारने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ्रैंक ने एबिगेल को मारने के लिए लैम्बर्ट से डील की थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था, क्योंकि जोई फ्रैंक को काटते समय वैम्पायर बनी थी, इसलिए फ्रैंक उसे कंट्रोल कर सकता था। वो यहाँ उसे अकेले कंट्रोल करके एबिगेल को मारने का हुक्म देता है। जोई उसकी तरफ बढ़ती भी है, लेकिन फिर एकदम से मुड़कर वो एक वेपन के जरिए फ्रैंक के ऊपर ही चढ़कर उसके दिल पे स्टब करके उसे मार देती है। फ्रैंक भी अब वैम्पायर्स की तरह फट कर मारा गया था, और अब जो जिंदा बचे थे वो थे एबिगेल और जोई। अब मरने की बारी जोई की थी, लेकिन एबिगेल उसे मारती नहीं, क्योंकि पहले से ही जोई ने एबिगेल के साथ अच्छा बिहेवियर रखा था, इसलिए एबिगेल को जोई के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो चुकी थी। वह यहाँ जोई से कहती है कि तुम यहाँ आज़ाद हो, तुम यहाँ से जा सकती हो जोई, और हाँ ये ना समझना कि तुम वापस आने के बाद एक वैम्पायर बनी रहोगी। तुम जिस वैम्पायर के काटने से वैम्पायर बनी थी वो मर गया है, और अब जैसे ही उसके काटने के जख्म तुम्हारे ऊपर से ठीक होंगे तुम पहले की तरह एक इंसान बन जाओगी। जोई खुश थी, वो यहाँ से बचकर भागने ही वाली थी कि इतने में ही यहाँ एबिगेल के डैड एंट्री कर लेते हैं। उनको तो फ्री में अपना डिनर मिल गया था, वो उसे पकड़ कर खाने ही वाले थे, लेकिन यहाँ अब एबिगेल अपने डैड को रोकती है और कहती है कि डैड आप इसे नहीं खाएंगे, इसने मेरी जान बचाई है। इस टाइम उसके डैड उसकी बात मान लेते हैं और जोई से कहते हैं कि एक सेकंड से पहले यहाँ से बाहर चली जाओ, इससे पहले कि मेरी नीयत खराब हो जाए। जोई भी यहाँ से भाग जाती है और कहानी के लास्ट सीन में हम उसे नॉर्मल जिंदगी गुजारते हुए देखते हैं। ओडिसी को दिखाते हुए इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।